हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में टिक्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। गाइस, दिस इज थर्ड वीडियो ऑन टिक्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट समझा था टिक्नोमेट्रिक रेशियो पे, सेकंड वीडियो में हमने तीन क्वेश्चंस करे थे और आज भी हम टिक्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से टफ है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने बाकी की दो वीडियोस मिस कर दी हैं, तो डोंट वरी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस, क्वेश्चन इज, इन अ गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिख रहा है, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, और 90 डिग्री किस वैल्यू पर है, बी पर। इफ बीसी इज 5 सेंटीमीटर एंड एसी माइनस एबी 1 सेंटीमीटर। गाइज, यहां पर आपको एक साइड गिवन है बी सी, डेट इज 5 सेंटीमीटर, और दो साइड का डिफरेंस गिवन है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जहां पे दो साइड का डिफरेंस गिवन हो या फिर सम गिवन हो, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए एंड कॉसे, दो टिक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपसे पूछा है, वो आप इजिली फाइंड कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो गाइज, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बीसी गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, बीसी गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको गिवन है एसी माइनस एबी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड आपको गिवन है, क्लियर, दो साइड का डिफरेंस गिवन है, सॉरी। अब आपको फाइंड करना है। तो गाइज, यहां पर देखा जाए तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की सिर्फ एक ही साइड पता है, दो साइड नहीं पता, यानी कि हम डायरेक्ट पाइथागोरस नहीं लगा सकते थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो गाइज यहां पर हम लेट करते हैं, लेट ए बी बी एक्स, ए बी को हमने लेट कर लिया एक्स, ठीक है। तो गाइज, फ्रॉम दिस रिलेशन ए सी कितना आ जाएगा, तो गाइज ए सी माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। हमने क्या करा, रिलेशन में ए बी को रिप्लेस कर दिया एक्स से, तो ए बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, तो फ्रॉम हियर ए सी इज 1 प्लस एक्स। तो गाइज, यहां से ए सी आ गया 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो ए बी आ गया हमारा एक्स और ए सी आ गया 1 प्लस एक्स। तो गाइज, हमेशा याद रखिएगा, अगर दो साइड का डिफरेंस गिवन है या दो साइड का सम गिवन है, किसी एक साइड को एक्सलेट करिए, दूसरी साइड को इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और अब आप पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। यहां पर हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं गाइस, पाइथागोरस होता है हाइपोटेनियस, और यहां पर हाइपोटेनियस है हमारी एसी स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो गाइस, एसी इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ए बी को हम क्या लिख लेते हैं, ए बी को हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, और बी सी इज 5 स्क्वायर, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं। गाइस, अब याद रखिएगा, आप में से बहुत सारे बच्चे होल स्क्वायर गलत ओपन करते हैं। दो टर्म का जब भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, थ्री टर्म्स आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने आइडेंटिटी लर्न करी होगी। तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, राइट। गाइज, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 25 माइनस 1, 2x इज 24, और गाइज यहां से x आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा x आ गया है 12 सेंटीमीटर, और जो AC होगा वो कितना होगा गाइस, 1 प्लस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो गाइस, यहां पर हमारी तीनों साइड आ गई हैं, दिस इज 12 एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर है। चलिए अब क्या फाइंड करना है, cosec A फाइंड करना है। तो गाइस, cosec A होता है cosec A, तो गाइस फॉर दिस एंगल,
ठीक है, याद रखिएगा किस एंगल के लिए टेक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉसेक ए। तो गाइस फॉर दिस कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फॉर दिस हाइपोटेनियस इज ए सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। तो ए सी इज, ए सी की वैल्यू कितनी है गाइस 13 और बी सी इज 5। तो गाइस दिस इज दी वैल्यू ऑफ कॉसेक ए। सेकेंड आपसे पूछा है कॉस ए, कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। गाइस अगेन ए एंगल के लिए बात हो रही है, तो फॉर ए बेस इज ए बी, राइट, बेस इज ए बी और हाइपोटेनियस ए सी है, ठीक है। अब ए बी इज 12 और ए सी इज 13। तो गाइस दिस इज दी आंसर, ठीक है। तो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इस क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखनी है, वो है दो साइड का डिफरेंस या दो साइड का सम अगर गिवन होगा तो आपको एक साइड को एक्स लेट करना पड़ेगा और दूसरी साइड को क्या करना है, एक्स के टर्म्स में निकाल के पाइथागोरस लगानी है, जिससे आपके पास तीनों साइड आ जाएंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बहुत ईजी होगा। तो गाइज दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज क्वेश्चन इज फॉर द गिवन फिगर इफ कॉस अल्फा इज 5/13 एंड कॉस बीटा इज 3/5 फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। तो यहां पर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है इस बार, ठीक है, क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर आपको दिख रहे हैं फिगर में और आपसे लेंथ पूछा है बीडी। तो गाइस सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं। ए बी सी डी ई 8 मीटर, 12 मीटर, 90 डिग्री, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड अगेन दिस इज 90 डिग्री, ठीक है गाइस। तो गाइस गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है कॉस अल्फा 5/13 एंड कॉस बीटा 3/5, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। फाइंड हमें करना है बीडी, ठीक है। तो गाइस यहां पर आपको इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी, वो क्या है, आई विल टेल यू। तो गाइस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस क्या होता है गाइस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और यहां पे भी कॉस है तो अगेन इट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो गाइस अल्फा के लिए हम कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, अल्फा के लिए हम देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। गाइस हमें गिवन है ए बी 12 मीटर, राइट। अब बेस देखिए गाइस, बेस इज बी सी और बेस आ जाएगा हमारा 5, ठीक है, और हाइपोटेनियस इज ए सी, वो आ जाएगा 13, ठीक है। गाइज अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये गलत हो गया, बस यही पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड गिवन है, ठीक है, तो यहां पर आप हमेशा वेरिएबल के साथ लिखेंगे। तो गाइज बी सी हो जाएगा 5x और ए सी हो जाएगा 13x। इस पॉइंट को बस आपको समझना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड गिवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो आप साइड फाइंड करेंगे उसके साथ आपको यहां पर एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यहां से अब हम पाइथागोरस लगाते हैं, तो गाइस पाइथागोरस हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट, क्लियर है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं गाइस, ए सी इज 13 एक्स का होल स्क्वायर, ए बी इज 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी इज 5x का होल स्क्वायर, दिस इज 169x स्क्वायर, 144 प्लस 25x स्क्वायर। गाइस 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 144x स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो गाइस यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 डिवाइडेड बाय 144, 1
तो फ्रॉम हेयर x इक्वल्स टू रूट वन विच इज 1. तो गाइज यहां पर x आ गया है 1. x 1 का मतलब है कि जो BC आ गया डेट इज 5 मीटर और जो AC आ गया है डेट इज 13 मीटर. राइट, समझ में आ गया. सिमिलरली हम दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सीईडी, ठीक है. तो गाइज पहले देख लेते हैं सीईडी में क्या क्या गिवन है. गाइज हमें ईडी गिवन है 8 मीटर, ईसी और डीसी हमें फाइंड करना होगा. तो गाइज यहां पे देखिए इस ट्राइंगल में सी डी इज बेस, तो बेस है हमारा 3, तो हमने इसको लेट कर लिया 3x. राइट, एक्स मत फाइंड लेट करी क्योंकि ऑलरेडी x हम पहले लेट कर चुके, तो इस बार हम इसको लेट कर लेते 3y. राइट, और जो हाइपोटेन्यूस है डेट इज 5, तो EC हो गया 5y. तो गाइस सेम वही क्या है, क्योंकि अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड गिवन थी, तो बाकी दो साइड को जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड किया तो मैंने उसके साथ लिखा एक वेरिएबल. इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही चीज याद रखनी है. क्या करते हैं गाइस, चलिए पाइथागोरस लगाते हैं. तो पाइथागोरस हो गया ईसी स्क्वायर इक्वल्स टू ईडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू. तो गाइस ईसी इज 5y का होल स्क्वायर, ईडी इज 8 का होल स्क्वायर, सीडी इज 3y का होल स्क्वायर. राइट, चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं. ये हो गया 25y स्क्वायर 64, 9y स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए, 25y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज 16y स्क्वायर इक्वल्स टू 64. गाइस y स्क्वायर आ गया हमारा 4, यहां से y आ गया रूट 4 विच इज 2. तो गाइज y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई है. तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10 मीटर और ये हो जाएगा 6 मीटर. तो यहां पर आपने देखा तीनों साइड हमारी आ गई हैं. फिगर में लिख लेते हैं गाइज, BC इज 5 मीटर, AC इज 13 मीटर, CD इज 6 मीटर और EC इज 10 मीटर. तो गाइज आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है. अब आपको फाइंड क्या करना था गाइज, फाइंड करना था BD. तो गाइज BD क्या होगा, तो गाइज BD इज द सम ऑफ BC प्लस CD. BC इज 5, CD इज 6, तो आंसर इज 11 मीटर. तो गाइज दिस इज द आंसर, ठीक है. तो गाइज अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक ही चीज याद रखनी है हमेशा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंड ट्रायंगल की कोई भी साइड गिवन है, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइड लेंगे तो वहां पर वेरिएबल्स को लेना मत भूलिएगा. अगर आप सीधे सीधे 5 और 13 और 5 और 3 ले लेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गाइज क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC AP is perpendicular to BC. तो गाइज यहां पर आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जहां पर AP जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है. इफ BC इज 112 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू गिवन है 112 सेंटीमीटर, cot B इज 4/3 और cot B की वैल्यू गिवन है 4/3 एंड cot C इज 12/5 और cot C की वैल्यू गिवन है 12/5, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AP. यहां पर आपको AP की वैल्यू को फाइंड करना है. चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं यहां पर. तो गाइस सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC. गाइस यहां पर नहीं बोला है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. ABC, अब यहां पर है AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है. दिस इज P. इफ BC इज 112, गाइस BC की वैल्यू गिवन है डेट इज 112 सेंटीमीटर और cot B, गाइस cot B गिवन है, cot B इज 4/3
और cot c गिवन है, cot c इज 12/5, कैलकुलेट द लेंथ AP. गाइज आपको AP फाइंड करना है, ठीक है. तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होता है तो हम पहले वहां से साइड्स लेट कर लेते हैं. तो गाइज बी ये एंगल है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो गाइज यहां से बेस, फॉर दिस एंगल बी बेस इज बीपी. तो गाइज यहां से बीपी आपका आ गया 4 और परपेंडिकुलर एपी आपका आ गया 3, ठीक है गाइज. लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, वो क्या है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड गिवन है. तो गाइज याद रखिएगा, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी साइड गिवन होगी, आप जब साइड्स को लेट करेंगे फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसके साथ एक वेरिएबल लिखना मत भूलिएगा. तो गाइज यहां पर मैं ले लेता हूं x, तो बीपी हो गया 4x और एपी हो गया 3x. इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है. सिमिलरली cot c गिवन है, ठीक है. तो अगेन ये भी क्या होता है, ये होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो यहां से बेस फॉर c, बेस इज pc, वो आ गया हमारा 12 और परपेंडिकुलर इज ap, दैट इज 5, ठीक है. लेकिन अगेन सेम, क्योंकि साइड गिवन है, यहां पर आप एक वेरिएबल लेंगे, इस बार वेरिएबल को चेंज कर देंगे y, ठीक है. चलिए गाइस इन साइड्स को ट्रायंगल में लिख लेते हैं. बीपी इज 4x, एपी इज 3x, पीसी इज 12y एंड एपी इज 5y, राइट गाइस. अब यहां पे आप देखेंगे एपी की दो वैल्यूज आई हैं, 3x और 5y. कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल के साथ है, x वैल्यू इस तरीके से डिफर करेगी और y वैल्यू इस तरीके से डिफर करेगी. जब हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये दोनों सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है. अब गाइज यहां पर हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते. आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो पाइथागोरस लगाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहां पर हम पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ दो साइड वेरिएबल में है तो थर्ड साइड हमें गिवन होनी चाहिए और यहां पर हमें AB और AC की वैल्यू नहीं पता. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो गाइज देखिए यहां पर जो BP और PC है, हम वहां पर इसका सम निकालने वाले हैं, विच इज 112. तो गाइज आपको गिवन है BC, दैट इज 112 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है. तो गाइज 4x प्लस 12y, 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 112. गाइज 4 कॉमन आ रहा है, रिड्यूस कर लेते हैं, 4 कॉमन लिया, x प्लस 3y इक्वल्स टू 112 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस 3y, 4 2 8, 4 8 32, तो गाइज ये आ गया 28. तो गाइज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अब गाइज आपने देखा यहां पे दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन आ गई है, तो दो वेरिएबल के लिए आपको एक और इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा और उसको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. अब आप सोचे दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, तो गाइज दूसरी इक्वेशन आएगी 3x इक्वल्स टू 5y. वाई, क्योंकि बोथ आर दी वैल्यू ऑफ AP, दोनों AP की ही वैल्यू है, तो इसका मतलब दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो गाइज हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 3x इक्वल्स टू 5y, ठीक है. तो गाइज दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो आपके पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है, आपको आता होगा. तो गाइज मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं. यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड करी, x इक्वल्स टू 5/3. अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो फर्स्ट में मैं x वैल्यू को पुट कर रहा हूं गाइस. फर्स्ट इक्वेशन है मेरी x प्लस 3y इक्वल्स टू 28. गाइज एक्स इज 5/3 प्लस 3y इक्वल्स टू 28, टेकिंग एलसीएम. गाइज एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये, तो गाइज ये हो जाएगा 5y प्लस 9y. और गाइज हल्का मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो 28 थ्री जा ये हो जाएगा 84. एड करते हैं
14y इक्वल्स टू 84, y की वैल्यू गाइज आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 14, 6. तो गाइज यहां से y की वैल्यू आ गई है 6. अब y की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो यहां पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू 5y अपॉन 3, 5, y इज 6, 3, 2, 10. तो गाइज y x की वैल्यू आ गई है 10. ठीक है, आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एपी, एपी. तो गाइज एपी क्या है, एपी 3x है या फिर 5y है, 3x है या फिर 5y है. तो गाइज 3x अगर आप यूज कर रहे हो तो आप x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, और अगर आप y यूज कर रहे हो तो y की वैल्यू को पुट कर दीजिए. तो गाइज ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 30, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज अगेन 30. तो गाइस कोई सी भी आप वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है. तो 3x को भी यूज करके आप एपी फाइंड कर सकते हो, 5y को भी यूज करके आप एपी को फाइंड कर सकते हो. तो गाइस यहां पर आपने अगेन क्या समझा कि जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल की कोई साइड गिवन होगी और वहां से अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से साइड्स ले रहे हैं तो हमेशा वेरिएबल के साथ लेना है. ठीक है, तो गाइस दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन से और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के